जो सेंटर नर्वस सिस्टम से आते हैं और मोस्टली ये चाइल्डहुड में ही हो बच्चे जो बच्चे होते हैं उनमें ही दिखेगा आपको एक एडल्ट में ये चीज़ें नहीं दिखेंगे और ये एक पर्टिकुलर स्ट्यूमली के रिस्पॉन्स में होते हैं सो so, हम इसके बारे में पढ़ते हैं और डीप में द पेमेटिव रिफ्लेक्स एक मूवमेंट पैटर्न है जो इनवॉलेंट्रीली इलेक्टेड होते हैं एक न्यू बॉर्न बेबी में तो ये एग्जिस्ट करते हैं ताकि जो इन उनके जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है उन्हें इनहेंस कर सकें सो so, ये रिफ्लेक्सेस शुड बी इंटीग्रेटेड एज अ चाइल्ड जो मोटर डेवलपमेंट मेच्योर्स होते हैं तो ड्यूरिंग नॉर्मल डेवलपमेंट ये स्लोली स्लोली इनहिबिट होते हैं बाय द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती है सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये लेटेस्ट डिस्कस देम दालमर ग्रास्प सो जो ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स है जिसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी नोटिस भी किया होगा तो मोस्टली ये बच्चे में दिखेगा टू मंथ्स ऑफ एज में ये हो जाएगा द ग्रास स्ट्रांग की वो किसी भी चीज में लटक सकते हैं एंड समथिंग इवन जो वो पुल भी कर सकते हैं किसी को जेंटली इतना स्ट्रोंग होता है इनका देन देर इज ए प्लेंटर रिफ्लेक्स तो ये एक्चुअली मोस्टली uh, uh, आपको ये प्रेजेंटली दिखेगा बट इन बेबीज इससे हम एक्सटेंसल प्लेंटर रिफ्लेक्स कहते हैं एडल्ट में भी दिखता है सो so ये तब होता है जब कोई न्यू बॉर्न बेबी के फोट फूट मतलब जो पैर है उस पर स्ट्रोक्स आता है सो कीप योर स्ट्रोक फेम एज यूज रन योर फिंगर पार्ट ऑफ नोटिस करोगे कि जो बेबी का बिग टो तो है वो फॉलो करेंगे इससे राइट आफ्टर बर्थ है जब भी आप एक निप्पल या क्लीन फिंगर बेबी के माउथ में डालोगे तो वो उसे सक करना मतलब स्टार्ट कर देंगे तो कोई सरप्राइज नहीं है ये बेबी uh, कोई भी बच्चा मतलब uh, जब जो वॉर्म में ही होता है या फोर्टीन वीक ओल्ड एम्ब्रॉय होता है तब से वो ये स्टार्ट कर देता है देन दे इज ए रूटिंग तो आपको आपका बेबी जो है वो, वो इसके नीड होगी कि वो एक फूड सोर्स को फाइंड करे तो सिंस अबाउट थर्टी टू वीक गेस्टेशन वो इसको प्रैक्टाइज करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे एज ए न्यू बॉर्न बेबी देखना आपका बेबी टर्न हेड टूवर्ड एनीथिंग जो भी उनके चीक पे टच करेगा या निप्पल या फिंगर देन दे इज ए गैलेंट तो अनदर रिफ्लेक्स है जो आप नोटिस करोगे एट बर्थ बट बहुत हार्ड होता है कि इसका अनलेस आप इस प्रैक्टिशियन को दिखाना पड़ता है तो अनटिल योर बेबी रीच फोर टू सिक्स मंथ तो डॉक्टर क्या करेगा होल्ड करेगा आपका बेबी को फेस डाउन अवर द डॉक्टर्स हैंड एंड स्ट्रोक द स्किन अलोंग द साइड ऑफ बेबी बैक तो आपका बेबी जो है वो टूवर्ड्स द साइड शिफ्ट करेगा जो स्ट्रोक डोई होगी टेंथ इज ए मोवो स्ट्रेटर इट इज इजी टू सी हाउ द मोवो रिफ्लेक्स एक, आपके बेबी को सर्वाइव करने में हेल्प करता है आपने नोटिस किया होगा एट ए वर्क आपके बेबी हैड हार्ड एट वर्क परफेक्टिंग द मूव सिक्स ट्वेंटी एट वर्क गैस में अपने मूव जो है वो परफेक्ट कर देता है देन दे इज ए स्टेपिंग तो ये रिफ्लेक्स डिसअपेयर होता है अराउंड टू टू फाइव मंथ्स ओल्ड बट इसका मतलब नहीं कि वो भूल जाते हैं जो बेबी है वो ड्रा मतलब अपने ड्रॉज ऑन द रेजिडेंट मेमोरी ऑफ दिस रिफ्लेक्स जब वो चलना स्टार्ट करते हैं एक साल में देन दर इज एसे टोनिक नेक रिफ्लेक्स तो एटी एन आर इज प्रेजेंट एट बर्थ इनफैक्ट हा जब थर्टी फाइव वीक गैसटेशन होती है तब से बेबी इसको प्रैक्टिस कर रहा होता है सो टर्न योर बेबीड साइडवेज एंड वॉच हाउ द आर्म हैज लेग ऑन द साइड ट्रैक वाय द अपोजिट आर्म एंड लेग बेंड तो ये रिफ्लेक्स हेल्प करता है बेबी को कि अपना हैड टर्न करे जहाँ पे वो जब वो अपने स्टॉमक के ऊपर लाई कर रहे होते हैं

आप इसे इनशियल्स में यूज़ करते हैं तो नॉर्मली सिक्स टू नाइन मंथ्स ओल्ड में ये दिखता है जब ए टी एन आर डिसअपेयर हो जाता है तो जब आपका इन जब भी कोई बच्चा है अपना हेड मूव करता है फॉरवर्ड में तो उनकी आर्म बैड बैंड होती है और लेग स्ट्रेट होती है और अपोजिट होता है जब वो अपने हेड फ्लैक्स करता है बैकवर्ड में तो आर्म्स स्ट्रेट होती हैं लेग्स बैंड होती हैं सो लेटर्स कंक्लूड दिस वीडियो है तो पेमेटिव रिफ्लेक्स इन वॉलेंटरी मोटर रिस्पॉन्स हैं जो ब्रेन स्ट्रेम से ऑरिजिनेट होते हैं आफ्टर बर्थ इन अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्वाइर को फैसिलिटेट करते हैं तो ये रिफ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट इन द दसेसमेंट ऑफ न्यू बॉन्स एंड यंग इन्फेंट्स थैंक यू थैंक यू फॉर लिसनिंग